सरकार के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि परिवार ये कह रहा है, परिवार आरोप लगा रहा है कि जहर दिया गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की जान गई। हालांकि पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज में हो चुका है और 5 डॉक्टर्स की निगरानी में हुआ है। 5 डॉक्टर्स की निगरानी में माफिया मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम था वो किया गया और अब इसके बाद जो है शव को रवाना किया जाएगा गाजीपुर के लिए। कि वो उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी मुख्तार अंसारी के परिवार का आरोप है कि मौत के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई, दवा स्लो पॉइजन का किया गया है कि स्लो पॉइजन दिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया, ऐसा जहर जिससे वो तुरंत ना मरे बल्कि धीरे धीरे उसकी जान जाए। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मुख्तार की मौत पर जितने मुंह उतनी बातें, कोई उसे स्लो पॉइजन देने का दावा कर रहा है तो कहीं सियासी बयानों में जहर देने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच मुख्तार की मौत का सच क्या है? डॉक्टरों की शुरुआती जांच हार्ट अटैक की ओर मौत की वजह का इशारा कर रही है, जबकि मुख्तार का परिवार एक सुर में जहर की साजिश का आरोप लगा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं, हत्या हुई। परिवार के सदस्य दावा कर रहे हैं कि मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन देकर के धीमे धीमे मौत की नींद सुलाया गया। मुख्तार अंसारी का परिवार कह रहा है कि मुख्तार अंसारी ने मरने से पहले खुद कोर्ट में डर जताया था कि जेल में उसे मरवाया जा सकता है। परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जहर वाली साजिश को लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी। दावा है कि कोर्ट को लिख कर दिया गया था कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर मिलाया गया है। परिवार ने 19 मार्च की घटना का जिक्र किया। दावा है कि 19 मार्च को जहर दिए जाने की वजह से मुख्तार की तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार 28 मार्च की रात मुख्तार ने दम तोड़ दिया। 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी, बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कहकर वापस कर दिया। मुख्तार का परिवार जिस जहर वाली थ्योरी का दावा कर रहा है, अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, तेजस्वी यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक, बड़े बड़े नेता भी मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने के आरोप की जांच हो। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टिया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी, निंदनीय और अफसोसजनक। मुख्तार अंसारी के परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पहले उसे जेल में जहर दिया गया, फिर परिवार को उससे मिलने नहीं दिया गया और बाद में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मुख्तार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में जहां वो विचाराधीन थे, जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद चौदह घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप ठीक, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो
दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा, लेकिन मुख्तार और उसके गुर्गों के काले कारनामों को करीब से देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी इसे एक पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी के डीजीपी रहे ओपी सिंह के मुताबिक जीते जी मुख्तार ने जेल में जहर देने वाला पैंतरा पहले भी आजमाया था ताकि उसे पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट ना किया जाए। जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तभी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। मुख्तार की मौत का सच जो भी हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। आतंक का पर्याय रहा गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी, मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया है। उस पर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर दबदबा, वो था मुख्तार अंसारी। उसकी 7 साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरू। पच्चीस साल की उम्र में पहली FIR। कभी क्रिकेट की दुनिया का ऑलराउंडर रहा मुख्तार अंसारी 80 के दशक में साधु मगनू गिरोह में शामिल हो गया। साल 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया। आरोप था मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। उम्र में पहली बार MLA बना। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा पहुंचा। राजनीति में मुख्तार का रुतबा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा और वो था 1994 का गाजीपुर उपचुनाव। मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। मुख्तार को मिला था राजनीतिक संरक्षण। मुख्तार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस। एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण की गवाही देते हैं 1991 बैच के PCS अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने 2004 में UPSTF के DSP रहते हुए एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। शैलेंद्र सिंह दावा करते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से तत्कालीन सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गए अब तक हुई है, और उसमें पोटा भी लगा है क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रेजेंट कि नहीं ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। कार्यों प्रेशर बनाया, जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, DIG रेंज का ट्रांसफर, SSP STF हमारे थे उनका ट्रांसफर, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद।
2017 से योगी सरकार के रडार पर था माफिया मुख्तार। लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। जेल में रहते हुए 2017 में आखिरी बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी गई और उसके बाद से ही उसके जुर्म के साम्राज्य के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर था कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जा छिपा और वहां से यूपी आने को तैयार नहीं था। मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू हुई तो दूसरी तरफ माफिया के जुर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यूपी में बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने लगी। मुख्तार के गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 160 मुकदमे भी दर्ज किए गए। इनमें से 186 सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल तक भेज चुकी है। वही 5 शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के करीब 2100 से भी ज्यादा अवैध कारोबार बंद कराए जा चुके हैं। सरकार के इस जबरदस्त एक्शन में मुख्तार अंसारी से संबंधित 605 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस के पूर्व अधिकारी मौत पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। कभी अपराध का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद पूर्वांचल में जरायम की दुनिया का काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा किया, जिस पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार जेल में रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए ही मौत हो गई। उसकी क्राइम कुंडली के बीच कई पुलिस अफसर आड़े आए, कईयों ने अपनी नौकरी गवाई, तो कई सियासी दबाव में उसके आगे झुक तक गए। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। तभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या, हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया।
हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया और कई जिलों में अतिरिक्त बल भेज दिया गया है। सभी को शांति बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए और पूरे राज्य में शांति है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इससे पहले मीडिया के सामने आए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में एक समय तक बड़ा दबदबा रहा है, इसीलिए पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है और पूरे प्रदेश में ही शांति रहे, शांति बनी रहे, इसीलिए पुलिस प्रशासन सख्त है और किसी भी तरीके से शांति बनाए रखना ही इस वक्त मकसद है। और सभी से वो अपील भी कर रहे हैं कि सभी शांति बनाए रखें, किसी तरीके की अफवाह में बिल्कुल ना आए। तो अमिताभ यश ये कह रहे हैं कि कई जिलों में अतिरिक्त बल भेज दिया गया है, जो तस्वीरें भी हमने देखी, और खास तौर पर पूर्वांचल के हिस्से बलिया, मऊ, गाजीपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां एक समय में मुख्तार अंसारी का सिक्का चला करता था और इसीलिए इन इलाकों में जो है ज्यादा बल भेजा गया, अतिरिक्त बल भेज दिया गया ताकि शांति बनाई जा सके। आज जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफ़ी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। और इस समय तक लगभग 2 बज रहे हैं, इस समय तक पूरे प्रदेश में शांति कायम है। नमाज कुछ स्थानों पर अभी भी चल रही है और इसलिए अभी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। मुख्तार की मौत के पहले उसकी फोन पर बातचीत का ऑडियो सामने आया है। मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी से बात की थी। जेल के फोन से मुख्तार की बेटे उमर अंसारी से बात होती है। ये पूरा ऑडियो हम आपको सुनवाते हैं कि मुख्तार अंसारी ने मौत से पहले उमर अंसारी से बात की। उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा हालचाल लेता है, क्या बात हुई, जरा सुनिए आप इस बात को। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने में नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे है आप? हेलो जी बापा, अस्सलामुअलैकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद, आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाले अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह।
किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। तो ये आपने ऑडियो सुना, अब आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी 20 बड़ी खबरें अब आपको दिखा देते हैं। मुख्तार अंसारी के शव को लेकर बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हुई पुलिस, सुरक्षा के लिए किया गया